निलॉस यूनिसेक्स सैलून एंड एकेडमी अपोजिट बदर विद्यालय वैशाली नगर अजमेर इंटरनेशनल वॉचेस कलेक्शन बाय मिनट्स टू स्टाइल मार्टिंडल ब्रिज अजमेर एस्ट्रॉन यूनिसेक्स सैलून कचहरी रोड अजमेर सैलून जो आपको देता है स्टाइल। इधर सामने देख भाई, सीधा ये सब को तो बुला लो, बंदूक लाओ संजय, खेल दो है। और हर थाने में लगभग हर रोज़ ही किसी न किसी गैंग को पकड़ने की कार्यवाही चल रही है। कल थाना अलवर गेट के द्वारा शादी ब्याह में जो बच्चे लोगों को इस्तेमाल करके उनके पेरेंट्स या उनके अन्य रिलेटिव वारदातें कर रहे थे, उनमें से दो गैंग पकड़ी गई थी कल। अभी आज जिसका हम खुलासा कर रहे हैं वो आदर्श नगर थाना क्षेत्र में जो वारदातें हुई थी रिसेंटली, खासतौर से रात की नकबजनी की वारदातें, उस गैंग का खुलासा कर रहे हैं जिसमें कि आदर्श नगर की टीम ने अपनी मेहनत से उन लड़कों को पकड़ने में सफलता हासिल की है जो लगातार इस तरह की वारदातें कर रहे थे, जिन्होंने आदर्श नगर थाना क्षेत्र में 3 वारदातें और रामगंज थाना क्षेत्र में 2 वारदातें की हुई थी। इन वारदातों के क्रम में जो टीम थी उसने लगातार प्रयास किया इस बात की जानकारी करने में कि रात में जो लोग वारदातें कर रहे हैं उनका मोडस ऑपरेंडी क्या है, वो किस तरह से दिन में कहीं ना कहीं रेकी कर रहे होंगे और उस दिन की रेकी के बेसिस पर कैमरों का इस्तेमाल किया है इन्होंने, और दिन में जो भी लोग घूम रहे थे उनका चाल चलन देखा कि आखिर वो किस तरफ से कहाँ निकल रहे हैं, क्या उन जगहों पर जहाँ वारदातें हुई हैं वहाँ पर उनका कोई मूवमेंट है या नहीं, उसके बेसिस पे इन्होंने इन लड़कों को आइडेंटिफाई किया। ये 2 लड़के हैं जो कि उसी क्षेत्र में 3 वारदातें कर चुके हैं, इसमें एक है ललित सोगरा और दूसरा है तरुण सोलंकी। ललित सोगरा जो है टोंक जिले का रहने वाला है और जो तरुण है वो गुजरात का रहने वाला है, दोनों साथ में मिलकर के इस क्षेत्र में कई वारदातें कर चुके हैं। इसमें 3 वारदातें आदर्श नगर की हो गई और 2 वारदातें रामगंज क्षेत्र की हो गई। इन्होंने जो भी माल चोरी किया है इन जगहों पर वो माल भी इनसे रिकवर किया गया।